गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो टुडे टॉपिक इज अबाउट डिस्कस ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस। जैसा कि आप देख रहे हैं, डेली वीडियो एक दो डाला जा रहा है, टॉपिक वाइज डाला जा रहा है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डाला जा रहा है। तो इसके पहले वायरस का नेचर हो गया है, स्ट्रक्चर हो गया, डिफिनीशन हो गया, साइज हो गया, शेप हो गया। सो आज का टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस। वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो किसी न किसी माध्यम के द्वारा वायरस का ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है। अगर लिविंग पे रहेगा तो लिविंग जैसा बिहेवियर करेगा, नॉन लिविंग पे रहेगा तो नॉन लिविंग जैसा बिहेवियर करेगा, राइट? तो वायरस का ट्रांसमिशन तो माइग्रेट वन प्लेस टू एन अदर प्लेस बाई अदर एजेंसी। तो वायरस आर ट्रांसमिटेड, द मोड आर ट्रांसमिटेड ऑफ प्लांट वायरस कैन बी डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप। किसी न किसी माध्यम के द्वारा जब यहाँ ट्रांसमिशन होता है, जिसको हम डिफरेंट ग्रुप में, डिफरेंट कैटेगरी में बांटते हैं, राइट? जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका है मैकेनिकल ट्रांसमिशन, जिसको मैकेनिकल थ्रू सैप कहते हैं, राइट? फर्स्ट पॉइंट आप नोट करिए, मैकेनिकल थ्रू सैप या मैकेनिकल ट्रांसमिशन। देखिए, मैकेनिकल ट्रांसमिशन में जितने भी एग्रीकल्चर आपके मैकेनिकल्स हैं, एग्रीकल्चर टूल्स हैं, फावड़ा, कुदाल, हैरो, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर, खुरपी, छोटे औजार से लेकर बड़े यंत्र तक, जितने भी टूल्स आप एग्रीकल्चर को खेती करने में यूज करते हैं, सब वायरस का ट्रांसमिशन करते हैं। किसी भी फील्ड में आप खेती कर रहे हो, निराई गुड़ाई कर रहे हो, अगर वहां से आप कुदाल फावड़ा लेकर या एनी मटेरियल कोई लेकर दूसरे फील्ड में चले गए, तो वायरस अगर उस फील्ड में है तो उसका ट्रांसमिशन हो जाएगा दूसरे फील्ड में, राइट? तो किसी न किसी माध्यम से वायरस का ट्रांसमिशन एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता रहता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका मैकेनिकल थ्रू है, जिसमें एग्रीकल्चर टूल्स है, जितने भी या हाथों के द्वारा हम हाथों से खेती कर रहे हैं, हम मिट्टी उट्टी लगा फिर दूसरे फील्ड में चले गए, वहां पे भी खेती करने लगे, ट्रांसमिशन वहां पे भी हो गया वायरस का। तो डिसिमिनेशन या ट्रांसमिशन सभी अकॉर्डिंग एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें आपका मैकेनिकल थ्रू सैप में एग्रीकल्चर टूल्स एंड हैंड, हमने शॉर्ट में लिखा है, उसमें एग्जाम्पल है TMB, टोबैको मोजेक वायरस, टोमेटो मोजेक वायरस, कुकुम्बर मोजेक वायरस, बहुत सारे ऐसे वायरस हैं कि जो ट्रांसमिशन होते हैं मैकेनिकल थ्रू सैप के द्वारा, राइट? नंबर टू पॉइंट है विजिटेटिव प्रोपोगेशन। विजिटेटिव प्रोपोगेशन में आप देख ही रहे होंगे कि बडिंग के द्वारा, ग्रेफ्टिंग के द्वारा, कटिंग के द्वारा लोग हजारों किलोमीटर से एक स्थान से दूसरे स्थान पे कटिंग, ब्रडिंग, प्लांट को मंगाते रहते हैं, बल्ब को मंगाते रहते हैं, और अगर वायरस वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, जिसमें आपका है सिट्रस टिटिजा वायरस, बराना बंची टॉप वायरस, ये सब वायरस कटिंग और प्रूनिंग, बडिंग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं, राइट? सो माइग्रेट इन कटिंग बडिंग बाई विजिटेटिव प्रोपेगेशन लाइक ट्रिटिजा वायरस, बराना बंची टॉप वायरस। थर्ड पॉइंट है कंटेक्ट। हम बॉडी कंटेक्ट करते हैं, कपड़ा पहने रहते हैं, पैंट शर्ट पहने रहते हैं, जिस फील्ड से गुजरते रहते हैं, पता लगे एक फील्ड से दूसरे फील्ड पे हम ट्रांसमिशन करते रहते हैं, कंटेक्ट ट्रांसमिशन है। फिजिकल कंटेक्ट विथ लिप्स हेल्दी टू इन्फेक्टेड लिप्स, ये फिजिकल लिप्स हमारे बॉडी के द्वारा, हमारे हैंड्स के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम अपने खेतों में टहलते रहते हैं, तो एक स्थान दूसरे स्थान पर वायरस का ट्रांसमिशन कराते रहते हैं। इसमें जिसमें TMB मोज़ेक, राइट, एंड पोटैटो वायरस, ये सब है वे कंटेक्ट के द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान पे ट्रांसमिशन होते हैं, राइट? नेक्स्ट है डॉडर, जिसको हम क्या कहते हैं, कसकुटा। कसकुटा क्या है? कसकुटा आपको पढ़ा दिया गया है, बता भी दिया गया, कसकुटा इज ए फुल्ली स्टेम पैरासाइट है, पूर्ण तना परजीवी, राइट? फुल्ली स्टेम पैरासाइट आपको बताया गया था, कंप्लीट जो होता है फुल्ली स्टेम पैरासाइट, पार्शियल तो उसमें फुल्ली स्टेम पैरासाइट है। ये भी वायरस है, बहुत तेज ट्रांसमिटेड करते हैं, इसमें हिस्टोरिया डेवलप हो जाते हैं, और उसमें भोजन लेते रहते हैं उस प्लांट से, और उसके बाद तो वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट है, तो जितने दूर बढ़ता जाएगा उसका कसकुटा, उतने दूर वायरस ट्रांसमिशन होता जाएगा। हेल्दी टू इन्फेक्टेड प्लांट, जिसमें आपका टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, टोमेटो बसी स्टेंट वायरस, ये सब ऐसे वायरस हैं जो कसकुटा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिशन होते हैं, राइट? नेक्स्ट है पॉलन के द्वारा। वायरस रिजल्ट इनटू डिटेक्शन ऑफ फ्रूट सेट सीड्स, जर्मिनेशन एंड किलिंग ऑफ सीडलिंग डेवलप फ्रॉम द इन्फेक्टेड सीड। तो ये सब पॉलन के द्वारा होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे
वायरस का ट्रांसमिशन करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉलन के द्वारा भी बहुत सारा वायरस का ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट है फंजाई के द्वारा, जो फंगस का योगदान है, देखिए ये भी सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बट ये भी वायरस ट्रांसमिशन करते हैं क्योंकि फंजाई से क्या है वायरस छोटा है। तो जो भी जैसे ओल्पिडियम ब्रिस्की में जो ओल्पिडियम ब्रिस्की जो डिजीज काज करता है, ये टोबैको नेक्रोसिक वायरस, टोबैको स्टंट वायरस, कुकुम्बर मोजैक वायरस, तमाम वायरस का ये ट्रांसमिशन ओल्पिडियम करता है। राइट, नंबर टू है सिंकाइट्रियम इंडोबायोटिकम जो डिजीज उत्पन्न करता है, वार डिजीज ऑफ पोटैटो, नाम सुने भी होंगे, ये भी पोटैटो वायरस एक्स का ट्रांसमिशन ये वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे करता रहता है। नेक्स्ट है पोलीमैक्सा ग्रैमिनिस, ये व्हीट मोजैक वायरस, पी नट क्लम्प वायरस, बीट नेक्रोटिक येलो मोजैक वायरस, ये सब का ट्रांसमिशन फंगस के द्वारा होता रहता है। नेक्स्ट है नेमेटोड सेट द्वारा ट्रांसमिशन होता है, देखिए ट्रांसमिटेड 24 वायरस स्वालबार्न पैथोजन होते हैं नेमेटोड्स, ये कम से कम 24 वायरस का ट्रांसमिशन करते हैं। दो तरह से करते हैं, एक होता है नेमेटोड ट्रांसमिटेड पॉलीहेड्रल वायरस, जो पॉलीहेड्रल वायरस होते हैं उसका ट्रांसमिशन करते हैं, उसको निपो वायरस के नाम से जानते हैं, जिसमें ग्रैप फैन लीफ वायरस, ये जिपिनीमा इंडेक्स करता है, जिपिनीमा जो नेमेटोड्स है वही करता है। नेक्स्ट है दूसरा है टोमेटो ब्लैक रिंग वायरस, लैंगिडोरस अटेंडस, ये सब भी ट्रांसमिशन करते रहते हैं। दूसरा निमेटोड्स है नीटू वायरस, जिसको नीटू बोलते हैं, नीटू मीन्स होता है निमेटोड ट्रांसमिशन ट्यूबुलर वायरस, ट्यूबुलर वायरस जो ट्रांसमिशन करता है, जिसमें टोबैको रॉटल वायरस ट्रांसमिटेड, जिसमें ट्राइकोडोरस सैलिंडिडोरस सैलिंडिकस करते हैं, और पी अर्ली ब्राउनिंग वायरस पार्टिकोडोरस स्पेसीज करते रहते हैं। तो ये सब निमेटोड्स के द्वारा भी वायरस का ट्रांसमिशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस होता रहता है लगातार। नेक्स्ट है सीट के द्वारा, कम से कम 100 वायरस का ट्रांसमिशन सीट के द्वारा होता है, जिसमें बीन काउ पी सोयाबीन मोजैक वायरस, ये सब मैक्सिमम सीट के द्वारा होते रहते हैं, सीट के द्वारा भी होते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट वायरस, जो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा वायरस है जो ट्रांसमिशन करता है इंसेक्ट ही करता है, ये सब तो कुछ कम मात्रा में करते हैं वायरस में, जिसमें आपका एफिड व्हाइट फ्लाई मिलीबग लीफ ऑफर थ्रिप्स बिटेल एंड माइट, ये सब ऐसे वायरस हैं इंसेक्ट हैं जो वेक्टर का काम करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचाते रहते हैं। राइट, तो ये सब वायरस का इन्फेक्शन करते रहते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका एफिड, देखिए एफिड बहुत कम से कम 200 स्पीसीज का ट्रांसमिशन करता है, 200 वायरस का ट्रांसमिशन करता है, जिसमें हमने लिखा है कैलीफ्लावर मोजैक वायरस एक एग्जांपल दिया है। कैलीफ्लावर मोजैक वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, एफिड के द्वारा होता है। बी है व्हाइट फ्लाई में वोकरा ओएलोम बेन मोजैक वायरस, एक कम से कम 70 स्पीसीज का स्पीसीज वायरस का ट्रांसमिशन करते हैं। नेक्स्ट है मिलीबग ग्रैप बाइन लीफ रोल वायरस, ये 10 ट्रांसमिटेड करते हैं, 10 वायरस का ट्रांसमिटेड करते हैं। फिर डी है लीफ हाफर बिटिल कर्ल टॉप वायरस, ये 16 प्लांट या 16 प्लांट वायरस का ट्रांसमिटेड करते रहते हैं। नेक्स्ट है थ्रिप्स, ये टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस का ट्रांसमिशन करते हैं, ये भी कम से कम 10 वायरस का ट्रांसमिशन करते रहते हैं, 8 वायरस का ट्रांसमिशन करते रहते हैं। नेक्स्ट है बिटिल, बिटिल में राइस येलो मॉटल वायरस, ये 74 स्पीसीज वायरस का ट्रांसमिशन करते रहते हैं। नेक्स्ट है माइट ट्रांसमिटेड, माइट के द्वारा भी ट्रांसमिशन होता है, इसमें व्हीट स्ट्रिंग मोजैक वायरस, ये भी 10 वायरस का ट्रांसमिशन करता है माइट भी। तो इस तरह हम देखते हैं कि वायरस जो वेक्टर ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा वायरस का ट्रांसमिशन अगर कोई करता है तो इंसेक्ट करता है, ये वेक्टर का काम करता है, यही सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन करता है, जिसमें मिलीबग हुआ लीफ हॉपर हुआ ग्रास हॉपर हुआ एफिड हुआ, ये सब अपना ट्रांसमिशन करते रहते हैं। सो गाइस, आज का ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस, इसमें मैकेनिकल ट्रांसमिशन, विजिटेटिव ट्रांसमिशन, कंटैक्ट, डॉडर, पालन, फंजाई, निमेटोड्स, सीड्स, इंसेक्ट, इस सब के द्वारा वायरस का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिशन होता रहता है। राइट, सो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।